देख सकते हो हमारे पीछे कच्चे गेहूं की खेती की हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा एक खेरुत की जिंदगी कैसी होती है। आप देख सकते हो चारों ओर बस खेती खेते हैं। तो जो आप इधर देख रहे हो ये हम अंडा कहते हैं इसको, आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बोलना। तो आप देख सकते हो इस साइड भी अंडे और इस साइड भी अंडे और बीच में एक रास्ता है। जो आप देख रहे हो ये खड्डा खोद के इधर पानी लगाए, ये पूरे खेत को पानी पिलाने के लिए रखा है। तो जो आप सामने ही देख रहे हो इसे हम सापड़ा बोलते हैं, आप एक छोटा घर भी समझ सकते हो। और इधर खेरुत काम करके आराम करते खेती का रडेली खेती करी छे, गेहूं छे, मटर के बाजरी घास बाजरी नाखवानी खड़ा बोर कर बाजार में ले जाओ। ये कह रहे थे कि यहाँ पे ये खेती करते हैं और फिर इसको बेचते हैं, फिर उससे पैसे कमाते हैं। हमारो घर से हमारो अभी थोड़ी बुरे छे ये अतारे हमें खेतर ने अंदर गाय वायो आवे એટલે વાટો મારો આયા છે એટલે બધું તપાસ જોઈએ કે દેખે કે દીન બધે બરાબર અને અગે અમે રહીએ આખો દારો સવાજ પર ઘરે ગઈએ બીજે સીન લેવો છે। તો આપ દેખ સકતે હો અભી હમ આપકો ગેહું દિખાને લે જા રહે બાર ઓર દિખા દુ દેખો ઇધર ખેતી કરતે એન્ડે કી ખેતી કી હે ઇસ સાઇડ ભી એન્ડે કી ખેતી કી जो बीच में रास्ता है उस पे हम चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये अभी कच्चे गेहूं है, अभी पक जाएंगे तो इसमें से गेहूं का आटा बनाएंगे। देख सकते हो इस साइड गेहूं उगा है और इस साइड अंडे की खेती की है, और उस साइड जो सामने देख रहे हो सामने कहते वहाँ पे भी गेहूं की खेती की है। देख सकते हो हमारे पीछे कच्चे गेहूं की खेती की हुई है। अपनी खेती आप ले आई हमारी अरंडी की खेती है, अरंडी की खेती या गेहूं की खेती। और वहाँ नीचे आगर केनाल से केनाल आ गए, केनाल थी एक तालाब रही है, तालाब इन अंदर लाइए केनाल नु पानी तालाब में तालाब थी मशीन मुकी खेची टोटा थी आगे ले जाइए सीए बराबर। और लाइट चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो।